क्या आप भी वही रोज के आलू पराठे और प्याज के पराठे खा खा के हो गए हैं बोर? तो चिंता मत करिए, सिंधी ज़ोमैटो किचन आपके लिए लाया है आज गोभी के पराठे, जो कि बहुत इजी है बनाना, कम वक्त में बन जाते हैं और इसी बहाने आप गोभी खाना भी सीख जाएंगे और वो बोरिंग से आलू के पराठे और प्याज के पराठे से छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, हम लोग बना रहे हैं आज गोभी का पराठा। गोभी का पराठा बनाने के लिए हम लोग को इंग्रेडिएंट्स में गोभी, बच्चों को और अच्छा लगे इसलिए हम लोग इसके अंदर चीज़ और पनीर डालेंगे, फिर हरा धनिया और हरी मिर्ची हम लोग इसके अंदर डालेंगे। गोभी का पराठा बनाने के लिए फिलिंग में सबसे पहले हम लोग गोभी का जो एंड का पार्ट होता है, जिसे हम लोग डंठल बोलते हैं, वो हम लोग काट देंगे और जो इसके फूल हैं गोभी के उसको अलग कर देंगे, ताकि अगर इसके अंदर कीड़ा हुआ तो फिर वो वाला पार्ट हम लोग अलग कर दें। फिर हम लोग इसको कद्दूकस कर लेंगे गोभी को, गोभी हमारी कद्दूकस हो जाए उसके बाद हम लोग इसके अंदर पनीर डालेंगे, पनीर को भी हम गोभी की तरह कद्दूकस करके डालेंगे और इसके अंदर हम लोग खूब सारा चीज़ डालेंगे, चीज़ डालेंगे तो फिर वो जब पराठा हमारा जब गर्म होगा तो वो अंदर से मस्त मेल्ट होगा तो खाने में मज़ा आएगा। फिर हम लोग इसके अंदर जो धनिए हैं वो डालेंगे, धनिए के साथ हम लोग ने जो हरी मिर्ची काट के रखी हुई वो भी डालेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर मसालों में 1.5 चम्मच हम लोग नमक डालेंगे और 2 चम्मच के अराउंड हम लोग इसके अंदर लाल मिर्ची डालेंगे। आप जैसा तीखा खाते हो आप उतना लाल मिर्ची डाल सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी डाल के हम लोग जो हमारी फिलिंग है उसको मिक्स कर लेंगे। चलिए तो हमारे पराठे की फिलिंग तो बन गई, अभी हम लोग आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हम लोग 1 बड़ा कप गेहूं का आटा लेंगे, 1 बड़ा चम्मच हम लोग बेसन का लेंगे, थोड़ी सी हम लोग 1 चम्मच जितनी अजवाइन लेंगे उसको हम लोग क्रश करके डालेंगे और 1 चम्मच हम लोग इसके अंदर सफ़ेद तिल डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हम लोग इसके अंदर हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल के और मोइन में हम लोग घी यूज़ करेंगे और आटा गूंदना स्टार्ट कर देंगे। बीच बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और जो हम लोग जैसे नॉर्मल रोटी खाते हैं वैसा हम लोग आटा गूंद लेंगे बिल्कुल इसी तरह। अभी फिर हम लोग एक लोई ले लेंगे, उसके बीच में हम लोग थोड़ी सी स्पेस करेंगे जैसे कि हम लोग उसके अंदर हमारी फिलिंग रख सकें और बस हम लोग इसको गोल गोल बेल देंगे। अगर आपसे गोल नहीं होती है तो आप स्क्वायर भी बेल सकते हैं, वैसे तो शेप में कुछ नहीं रखा है हम लोग को, तो खाने में खाली मज़ा आना चाहिए। बस फिर हम लोग साइड में एक तवा लेंगे, उसके ऊपर हम लोग घी डालेंगे, फिर हम लोग दोनों तरफ से हमारे पराठे को अच्छी तरीके से सेंक देंगे और बीच बीच में हम लोग खूब सारा इसके अंदर घी भी लगाते जाएंगे जैसे कि वो अच्छी तरीके से पके और खाने में बहुत मज़ा आ जाए। और बस जैसे ही ये ऐसे बीच में फूलना चालू हो जाए, अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पक जाए, फिर हम लोग इसको साइड में निकाल लेंगे और इसकी सर्विंग करेंगे। तो आपने देखा ना कि वो ये गोभी का पराठा बनाना कितना आसान है, कितना झटपट बन जाता है और इसका टेस्ट भी जो है ना वो बहुत लाजवाब है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो इधर तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जैसे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।